सदियों पुरानी मस्जिद की खुदाई पर मिले खुफिया रास्ते, जानिए क्या है इनका रहस्य। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। कई वर्षों से इस अवधारणा को साबित करने वाला भारत एक श्रेष्ठ देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विविधता में एकता देखने के लिए ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए कई कई धर्मों, नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों का एक साथ रहते हैं। मनोवैज्ञानिक, वैचारिक, राजनीतिक, धार्मिक, बहुभाषी, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि के ढेर सारे भिन्नताओं के बावजूद भी एकता के अस्तित्व पर विविधता में एकता ध्यान केंद्रित करता है। ज्यादा विविधता से एकता में ज्यादा जटिलता होती है। नस्ल, धर्म, जाति, उपजाति, समुदाय, भाषा और बोली की अधिक विविधता के बावजूद भी भारत में लोग एक होके रहते हैं। भारत में लोग बहुत ही आध्यात्मिक और स्वभाव में भगवान से डरने वाले होते हैं, इसलिए वो सभी के धर्म को आदर देते हैं। भारत देश में हिंदुओं के लिए लाखों मंदिर है तो मुसलमानों के लिए लाखों मस्जिदें भी है। जहां हिंदू मंदिरों में जाकर पाठ पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं और अपने खुदा को याद करते हैं। हर मंदिर में भगवान की एक मूर्त होती है, लेकिन मस्जिदों में कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं होती है, बल्कि पश्चिम की तरफ मुंह करके मुसलमान लोग खुदा की इबादत करते हैं और नमाज अदा करते हैं। क्या आप जानते हैं भारत एकलौता एक सबसे बड़ा गैर इस्लामिक देश है जहां पर 3 लाख से भी अधिक मस्जिदें बनाई गई है। इतनी बड़ी संख्या में मस्जिद संसार के किसी भी देश में नहीं है जितनी भारत में है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अरब में बनी थी, जिसे काबा या मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि हर मुसलमान का एक बार वहां पर जाना बेहद जरूरी होता है। मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल के रूप में मक्का मदीना को देखा जाता है, और मक्का मदीना का निर्माण होने के बाद ही अलग अलग देशों में मस्जिद बनाने का काम शुरू किया गया। लेकिन हम आपको मक्का मदीना के बारे में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में एक निर्माणाधीन मस्जिद के बारे में बताने वाले हैं, जिसके निर्माण के समय खुदाई करते समय मिला कुछ ऐसा कि सब देख कर हैरान रह गए। जी हाँ, इस खबर को पढ़ने के बाद और यह वीडियो देखने के बाद आप भी अचंभे में रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार को एडीएम मंडेला मध्य प्रदेश में एक मस्जिद में पहुंचे, जहां पर निर्माण का कार्य चल रहा था। वहां पर खुदाई के दौरान बहुत से खुफिया रास्ते और सुरंगें मिली हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि वे 18वीं शताब्दी के दौरान बनाई गई थी। एडीएम मंडेला द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी तो पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही पता चलेगी कि यह खुफिया रास्ते किसने बनवाए थे और क्यों। मजदूरों द्वारा इस मस्जिद के निर्माण की खुदाई करते समय 18 फीट गहरे गड्ढे के अंदर ईंटों से बना हुआ रास्ता नजर आया, जिसकी सूचना मजदूरों ने जाकर ठेकेदार को दी और ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन को खबर कर वहां तुरंत बुलवाया। उसके पास से ही उस खुफिया रास्ता और तहखाने की जांच पड़ताल की जा रही है, यह पता लगाने के लिए कि यह कितने साल पुराना और किस कारणवश बनाए गए हैं।